हे गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से हम एक जैंगो का जो हम प्रोजेक्ट बनाते थे उसको अगर हमको प्रोडक्शन में यूज़ करना हो, हमको लगाना हो ताकि पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड राइट उसको एक्सेस किया जा सके, हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया जा सके राइट। क्योंकि जैंगो जो है वो एक वेब फ्रेमवर्क है जो हम जानते हैं, जिस तरीके से हम अभी तक की वीडियोज़ बना रहे थे उसमें हमने जो कि बात की राइट तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए आपको करना ये है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप उसको देखो राइट। क्योंकि वो स्टार्टिंग से हैं और आई थिंक मैंने दो जैंगो की वीडियोस बनाई थी राइट, तो उन दोनों वीडियोस को आप देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये चीज़, और देखने के बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए राइट। तो हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, मेनली मैंने अपना मेरा एक डैशबोर्ड मैंने खोल रखा है राइट। तो ये मेरी जो इंस्टेंस है, ये जो पहले से जो चल रही है, और हाँ अगर आपको AWS के बारे में नहीं पता ना तो यार वो भी जाओ और देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है राइट। तो करना ये है कि हम लोग AWS का यूज़ करके हम जो इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उसमें हम अपने जैंगो प्रोजेक्ट को, मतलब कि जैंगो जो हम वेबसाइट बनाते हैं या लाइक कोई भी वेबसाइट आपकी, हम उसको लाइव करेंगे राइट। तो मैं जस्ट इस वीडियो के लिए लाइव करूँगा और जस्ट प्रैक्टिस के लिए लाइव करूँगा, उसके बाद मैं उसको बंद कर दूँगा राइट। तो करना ये है कि हम सबसे पहले AWS के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा एक न्यू इंस्टेंस लॉन्च, क्योंकि ये वाली जो इंस्टेंस मेरी जो स्टॉप कर रखी है मैंने, इसकी मेरे पास की नहीं है जो कि मेरे लैपटॉप में है, इस वजह से मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए अभी। तो इसलिए मैं कोई अनदर इंस्टेंस लॉन्च करूँगा और उसमें हम लॉन्च करेंगे Ubuntu राइट। तो Ubuntu सर्वर ये वाली हम लॉन्च करेंगे 16, और कॉन्फ़िगरेशन हम रैंडम रखेंगे जो कि मैंने अपना VPC भी बनाया, VPC के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा और या और एकदम नॉर्मल सी मैं इंस्टेंस लॉन्च करूँगा राइट। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा सेकंड वाली और इसको कर दूँगा लॉन्च या। तो अभी ये लॉन्च हो गई, अब मेरे को इसकी पब्लिक IP या वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा जैंगो टेस्ट ओके। तो ये मैंने इंस्टेंस लॉन्च कर ली और इसमें हम अपने जैंगो फ्रेमवर्क को हम करेंगे लाइव, मतलब कि प्रोडक्शन पे हम उसको होस्ट करेंगे मेनली राइट। तो हम यूज़ करेंगे अपाचे का, कि हम अपाचे को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और होस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीके से वेब सर्वर के लिए हो गया और काफ़ी कुछ आएंगी अभी चीज़ें कि हम किस तरीके से लाइव करते हैं, अभी उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, हम हर एक चीज़ देखेंगे राइट। तो सबसे पहले अब हम इसको लेंगे, अब ये रनिंग मोड पे आ गई बट इनिशियलाइजिंग हो रहा है। इनिशियलाइजिंग हमने कुछ भी हमने नहीं किया था फ़िलहाल के लिए, हमने कुछ भी कोई भी एक रैंडम फाइल हमने जनरेट नहीं की है या हमने कुछ इसके इंस्टेंस के लिए हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो इनिशियलाइजिंग हो रहा है तो मतलब ये अभी चला जाएगा। तो रनिंग हो रहा है मतलब कि रनिंग है इंस्टेंस हमारी, तो मतलब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएंगे कनेक्ट में, तो मैं इसको कर लूँगा पूरा का पूरा कॉपी सिंपल, और आप इन सारे टास्क को परफॉर्म करोगे राइट। क्योंकि मेरे में जो है मैं सिर्फ ओनली इसको चलाऊंगा, क्योंकि मेरी जो की है, ये वाली जो की है मेरी, ये पहले से मैंने इसको रीड की परमिशन दे रखी है और बाकी सारे ग्रुप को एंड अनदर यूज़र्स को मैंने ये परमिशंस हटा रखी है। मतलब ये आपको रन करनी पड़ेगी कमांड पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग से राइट। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि हम इंस्टेंस को किस तरीके से लॉन्च करने के बाद हम जब उसको कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस चीज़ के लिए आपको ये पढ़ना है राइट। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पुट्टी, जो कि एप्लीकेशन है SSH लेने के लिए विंडोज़ के लिए राइट। तो ज़्यादा अभी हम बात नहीं करेंगे हर एक चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओनली प्रोडक्शन के लिए हमें काम करना है जो कि हम जैंगो की वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो क्लोज़ कर देता हूँ मैं इसको और अपने टर्मिनल पे आता हूँ, और जो मेरी की पड़ी है वो पड़ी है डाउनलोड्स के अंदर। तो डाउनलोड्स, और यहाँ मैं जस्ट उसको कमांड को कॉपी कर पेस्ट करके उसको हिट एंटर कर दूंगा, यस करूंगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा।
ना यूबंटू में एक चीज़ ये है जो कि ये कमांड बोल रहा है रन करने के लिए, हमें ये कमांड को रन करना पड़ेगा, राइट? यस, तो इसको मैं ज़रा सा सेटअप कर लेता हूँ फर्स्ट, राइट? जो वो कमांड्स बोल रहा है रन करने के लिए आप सिंपल वो रन कर दो, क्योंकि वरना आपकी इनकोडिंग के लिए एरर आ जाएंगे बाद में। ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये रन करनी है। राइट, तो ये हो गया अभी सेटअप कंप्लीटेड। ओके, तो पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ तो ऐसे चल गया। या तो हम जाएंगे सबसे पहले रूट में, क्योंकि मैं सूडो लगा लगा के बार बार काम नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो मैं आ गया रूट में, मैं हूँ अपनी इंस्टेंस के अंदर, और अब मैं इंस्टॉल करूँगा कुछ पैकेजेस जो कि यूज़ होंगे हमारे प्रोडक्शन के लिए, और जो कि है अपाचे का 2, क्योंकि विंडो यूबंटू में अपाचे 2 करके चलता है, राइट? और हम यूज़ करेंगे लिब अपाचे 2 मोड WSGI, ये हमें इंस्टॉल करना है, और पाइथन डेव, पाइथन सेटअप टूल्स एंड पाइथन पिप, राइट? ये पैकेजेस हमको इंस्टॉल करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये इंस्टॉल करने के बाद अभी हमारा फर्स्ट क्लास, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। आपको ये कमांड रन करनी है, राइट? आप इसको अच्छे से देख लो और हिट एंटर, पाइथन पिप पे एरर, बट वाई? पाइथन पिप मैंने अभी हटा दिया, अभी मेरे को वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो मतलब एरर दे रहा तो पैकेज ही नहीं है, ऐसा नहीं है, होगा तो अपडेट के लिए बोल रहा है, या ऐप्ट अपडेट नहीं किया था हमने, या ये चीज़ मैं भूल गया। और अपग्रेड करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बस अपडेट करना है हमें बस सिंपल ऐप्ट के लिए, क्योंकि सारे के सारे पैकेजेस हमारे फेच हो जाएंगे। और अब मैं उसको चलाऊंगा ऊपर वाली कमांड को, या ओके। तो इस तरीके से अब हमारा फर्स्ट क्लास सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, वो मैं भूल गया था ऐप अपडेट करने के लिए, तो कोई बात नहीं, अभी हो गया तो सब कुछ सही है। फर्स्ट क्लास अभी इंस्टॉलिंग हो रही है हमारी, और अब इंस्टॉलिंग होने के बाद हम क्या करेंगे? अब एक देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक वर्चुअल होस्ट बना लो, उसके अंदर आपकी डायरेक्टरीज को परमिशंस दे दो, राइट? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट मैं एकदम नॉर्मल सी आप एक स्टार्टिंग का जो जैंगो हमें एक वेबसाइट बना के देता है एकदम नॉर्मल सी, राइट? हम उस चीज़ को किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, राइट? तो नॉर्मल सी, राइट? तो मैं मतलब कि जैसा बाय डिफॉल्ट जैसा कि हमेशा आता है स्टार्टिंग में, तो हम सिर्फ उतना ही हम होस्ट करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट? तो ज़्यादा हम बनाएंगे नहीं जेंगो का, हम सिर्फ सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना के छोड़ देंगे और उसको हम लाइव करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जेंगो का प्रोजेक्ट हमें लाइव देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम जाएंगे वैड WWHTML के अंदर, और यहाँ पर एक इंडेक्स नाम की फाइल है, हम कर देंगे इसको रिमूव, राइट? और अब हम करेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो, राइट? और जेंगो के अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो हम करेंगे एंटर और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, फटाक से हो जाना चाहिए, एरर दे रहा है। हमको इंस्टॉल करना है ये वाला वर्जन, नॉट 2, राइट? तो हम इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं फिलहाल के लिए, अभी ये एरर ना दे, ठीक है? तो हो गया, राइट? अभी अगर मैं देखूं कि जेंगो एडमिन हमारा आया है, आ गया है, राइट? तो अब हम करने के वाले हैं, अब हम एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जेंगो एडमिन,
स्टार्ट प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट नाम की बस एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के नाम से। ओके तो यहाँ आ गया हमारा प्रोजेक्ट। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो, जिस तरीके से भी आप अपने वेब फ्रेमवर्क को डिज़ाइन कर रहे हो, उन हर चीज़ की आपकी ऐप्स यहीं बनेगी। और इसी तरीके से आपको काम करना है, यहीं पर ही काम करना है, और उनको वहाँ पर जाके कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, राइट। तो अभी एकदम नॉर्मल है, राइट। अगर मैं इसका अभी एरर दे देगा वरना मेरे को, तो मैं इसकी सेटिंग्स वाली फ़ाइल खोलूँगा और यहाँ अलाओ के अंदर आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा स्टार, राइट। स्टार करने के बाद क्या होगा कि ये सारी के सारी आईपीज को ले लेगा, मतलब मेरे को ये लोकल होस्ट या 127.0.0.1 इस तरीके से मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आईपी हैं इसके अंदर यहाँ पर, मतलब कि लूप बैक आईपी, राइट, और इथरनेट जीरो की आईपी, या अगर आपकी वाईफाई की आईपी है वो, अगर आपकी ब्रिजिंग की आईपी है वो, सारी की सारी जितनी भी होंगी सबसे ही आप एक्सेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, राइट। तो अभी मेरा जो एक्सेस होगा वो किसके थ्रू होगा, मेरी पब्लिक आईपी के थ्रू। तो मतलब यहाँ पर तो डिफाइन नहीं है, बट वो हर एक आईपी किसके आईपी के थ्रू खुल सकता है। अब क्या होता है कि जब मैं पब्लिक को एक्सेस करता हूँ तो वो मेरे को मेरी प्राइवेट आईपी की तरफ में लेके जाता है। तो प्राइवेट आईपी मेरी ये है, राइट, तो ये वाली आईपी से मेरा हिट होगा ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से मेरी वेबसाइट जो है, मेरा ये प्रोजेक्ट जो है मेरे को देखने के लिए वहाँ मिलेगा। तो अगर मैं करूँ पाइथन मैनेज रन सर्वर, राइट, और 0.0.0.80 ज़रूर करना है हमें, तो 80 के लिए तो यहाँ पर चल रहा है। तो मैं अभी इसको करूँगा 8000 पे, राइट, अभी ये रन हो गया। तो अभी मेरे को इसको रन किस तरीके से करना है, अभी मैं इसको देखना चाहूँगा तो किस तरीके से देखूँगा, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, या तो ये मेरा प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी दिख रही है अभी के लिए, अभी उस तरीके से नहीं चल रहा है, राइट। तो मतलब चल रहा है, दिख रहा है, राइट। तो अभी मेरे को इन सबको मैनेज करना है, इन सब की फाइल को मेरे को डिफाइन करना होगा, तब जाके मेरी ये वेबसाइट एक जेंगो के जो बेसिक सा जो एक वेबसाइट दिखती है एकदम वैसी ही दिखेगी फिर। तो अभी उस चीज़ के लिए हमें करना क्या है, अब हम करेंगे इसके अपाचे पे वर्क, राइट। तो मतलब इतना हमारा चल रहा है तो मतलब फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अभी अपाचे ही दिखा रहा है, हमको वैसी कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा है, हमारी वेबसाइट नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, बस हमारा अपाचे दिखा रहा है। अपाचे में आपकी ये WW के अंदर HTML के अंदर आपकी प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी है, हमें ये दिखा रहा है ये, राइट, हमें हमारी वेबसाइट नहीं दिखा रहा है। तो हमें करना क्या है, अब हम करेंगे अपाचे पे वर्क। तो ETC के अंदर अपाचे में आएंगे और अपाचे 2 जो .conf है हम उसको एडिट करेंगे, लास्ट लाइन में आ जाएंगे सबसे, और यहाँ पर करेंगे हम कुछ चीज़ें लिखेंगे जो कि हैं WSGI script alias slash में और where www.html project slash then project में WSGI.python, ओके, WSGI python path slash where WW.html project slash project। तो हम ये करेंगे, राइट, तो नहीं हमें इतना ही रखना है, सिंपल एक स्लैश हटा देते हैं। अब हमारी वेबसाइट हमें दिखनी चाहिए, हम करेंगे सिस्टम CTL अनेबल अपाचे 2, राइट, अभी या स्टार्ट, अगर हम स्टेटस देखना चाहें तो स्टेटस एक्टिव है, राइट, रनिंग। और अब अगर हम आए और न्यू टैब खोलें और यहाँ पर हम वही वाली आईपी को फिर से पेस्ट करें तो क्या होगा, अब हमें हमारी जेंगो की फ्रेमवर्क की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट होती है हमें वो शो करनी चाहिए, नहीं की, राइट, क्यों,
क्यों नहीं की। अब हमें वो देखना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है और ऑल के लिए अलाउड है। तो हुआ ये कि अपने आप ही वो मेरे को एरर दे रहा था, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट अपने अपाचे को स्टार्ट किया। मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, राइट। ये देखो, मैंने जस्ट अपने अपाचे को रीस्टार्ट किया दोबारा, ये रहा रीस्टार्ट, और जस्ट मेरे को, मैंने फिर उसको रिफ़्रेश करा और ये चल गया, राइट। तो फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो अब ये रन हो गया, राइट। पता नहीं क्यों वो एरर दे रहा था। तो मैंने रिस्टार्ट किया तो अभी फर्स्ट क्लास चल रही है। इस तरीके से आपकी वेबसाइट आपको दिख सकती है, राइट। तो ये था हमारी वीडियो में छोटा सा पार्ट। और आप अपनी एक HTML की रैंडम फाइल को आप जिस तरीके से मैंने सिखाया था, पहले आपको बताया था, आप उस तरीके से एक रैंडम सी HTML की फाइल को पास कर सकते हो व्यूज से और views.py से, और यहाँ पर उसका आउटपुट देख सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया अपना अपाचे के साथ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम जेंगो। और इस तरीके से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और हर एक चीज़ का आउटपुट ले सकते हैं हम अपाचे पे, और हम अपनी एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, राइट। तो AWS, अगर आपको नहीं पता तो AWS के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है, ज़्यादा नहीं बताया बट थोड़ा बहुत तो मैंने बताया ही है। आप उतना देख के आप AWS को समझ सकते हो थोड़ा बहुत, और यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यूज़ ही कितना करना होता है, हमें एक EC2 यूज़ करना है, और ज़्यादा हमें सर्विसेज के बारे में अभी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए तो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसकी इतनी सर्विसेज हैं, क्योंकि 90 से प्लस इसकी कुछ सर्विसेज हैं जिसके बारे में अभी मुझे भी नहीं पता है। और ये आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी कौन क्या चीज़ लॉन्च हो रही है। तो हाल ही में ही अभी हमने जो बनाया है वो हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। और हाँ, अगर आप नए आए हो ना इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं और कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता रहेगा, राइट। तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो मेरा चैनल शेयर नहीं होगा। अगर शेयर नहीं होगा तो और ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर, क्योंकि नॉलेज ही अभी जो हम बांट रहे हैं एक दूसरे से, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और आपको भी समझ आ रहा है, राइट। तो ये होती हैं चीज़ें जो कि हम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और काफ़ी कुछ मस्त है इसमें, और सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करो, और अगर कुछ एरर्स हैं, कुछ परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो, कमेंट करोगे मैं आंसर करूँगा, राइट। तो बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।